आगे वाले राउंड में कुछ बेहतर कर पाएंगे, क्योंकि राउंड जो अगला राउंड है यानी राउंड फोर, उसका प्राइज बहुत ज्यादा बढ़ गया है। यानी 5 लाख रुपए का टॉप प्राइज। वक्त होगा 2 मिनट 30 सेकंड का मनी ट्रेल। गौर से सुने, पहले से बता दूं ये राउंड आपसे शुरू होगा सिराज, और जो सवाल मैं आपसे करूंगी वो 2500 का होगा। उसके बाद शाज या आपसे जो सवाल होगा, दूसरा सवाल 5000 का। अजीज से तीसरा सवाल 10000, सही चलता रहा तो चौथा सवाल 25000, सही चलता रहा तो पांचवा सवाल 50000, उसके बाद छठा 1 लाख, सातवा सवाल 2.5 लाख, और आठवां 5 लाख रुपए का इनाम। ये सिर्फ इस तरह तभी चलेगा, अमाउंट इस तरह बढ़ता तभी रहेगा जब तक ये चेन नहीं टूटेगी। जिस वक्त ये चेन टूट जाएगी फिर से अमाउंट 2500 से शुरू होगा। कम से कम 4-5 सवाल के बाद बैंक करें, गलत जवाब ना दे कोशिश करें। यू गाइस गॉट दिस, ओके? आई वांट यू ऑल टू विन अ लॉट ऑफ मनी। यहाँ लाखों 20-30 लाख लेकर जाएं तो मज़ा आएगा। मैं भी तो देखूँ कि खुशी कैसी होती है जब बहुत से पैसे जीत कर जाते हैं अपनी मेहनत से। तो शुरू करें सिराज, 2 मिनट 30 सेकंड का वक्त, टॉप प्राइस 5 लाख का आपका वक्त शुरू होता है अब। फ्रेंच फ्राइज का अबाई वतन फ्रांस नहीं है तो फिर क्या है? बेल्जियम। करेक्ट। शाज या तलोर नामी खूबसूरत परिंदा पाकिस्तान के कौन से इलाके में पाया जाता है? सहरा बलोचिस्तान। करेक्ट। अजीज, सेल के लिए उर्दू लफ्ज क्या है? खुलिया। करेक्ट। सुबह सुबह सिंध में कुल कितने दरिया बहते हैं? 2। गलत जवाब 4। अबीर, व्हाट्सएप डैम कौन से दरिया पर वाके है? काबुल पर। करेक्ट। अब्दुल, यूनाइटेड नेशंस के पहले सेक्रेटरी जनरल का नाम बताएं? ट्राइबेलाई। करेक्ट। कबीर, आईफल टावर की कुल लेंथ कितनी है? 1063 फीट। करेक्ट। सिराज, बैंक। चांद पर पहला इंसानी कदम कौन से साल में रखा गया? 1986 में। गलत जवाब 1969। वर्ल्ड स्पेस वीक हर साल अक्टूबर की कौन सी तारीख तक मनाया जाता है? 4 to 10। करेक्ट। मोबाइल फोन इब्तदाई तौर पर कहाँ इस्तेमाल के लिए याद किए गए थे? व्हीकल्स। करेक्ट। सुबह बैंक, शायर मशरक डॉक्टर इलामा इकबाल की पहली किताब का नाम बताएं? बैंक बोल दे। पास बोल दे अगर नहीं आता। इल्मे इक्तसाद, अबीर, 1699 में ऑस्ट्रिया ने ऑटोमन से कौन सा इलाका लिया? बुदापेस्ट। गलत जवाब हंगरी। अब्दुल, ऑन एन एवरेज हम लोग एक दिन में कितनी बार अपना मोबाइल चेक करते हैं? 150 टाइम्स एप्रोक्सीमेटली। कबीर, 1 टीस्पून न्यूट्रॉन स्टार का वजन अंदाजा कितना हो सकता है? 6 बिलियन फीट। गलत जवाब 6 बिलियन टन। सिराज, रातों में चांद बहुत ठंडा हो जाता है, टेम्परेचर तकरीबन कितना होगा? -273 डिग्री फ़ारेनहाइट। गलत जवाब -243 डिग्री फ़ारेनहाइट। शाज या वर्ल्ड कॉटन डे तारीख में पहली बार कौन से साल में मनाया गया? 2019। बिल्कुल सही जवाब। भैया आपके 2 मिनट 30 सेकंड का वक्त होता है खत्म, और वक्त शुरू होता है एलिमिनेशन का। जल्दी से टाइप करें, मुझ तक उस कंटेस्टेंट का नाम पहुंचाए जो वीक था, जिसने अपना 100% नहीं दिया। योर टाइम टू वोट स्टार्ट्स नाउ। सुवेबा, अबीर, सिराज और कबीर के गलत आंसर्स की वजह से चेन लंबी ना हो सकी। सिराज और सुवेबा के बैंक करने की वजह से कुछ अमाउंट बैंक हो सकी। सुवेबा ने अमाउंट बैंक करके भी टाइम वेस्ट किया। अब देखना यह है कौन है वो कंटेस्टेंट जो अगले राउंड में हमारे साथ नहीं होगा। और आपका वोट करने का वक्त होता है खत्म। लेट्स स्टार्ट विद यू कबीर। वोट किसके खिलाफ है? मैम अजीज की। क्यों? कंफ्यूज लग रहे हैं थोड़े से। आई गॉट योर वोट अजीज। कबीर, आपसे एक सवाल पूछा था, वजन। यस मैम। वजन फीट में लिया जाता है या टन में? मैम फीट में, टन में होता है लेकिन मैं अभी भी फीट में। टन में, सॉरी। लंबाई किस में नापते हैं? टन में। लंबाई टन में नापते हैं और वजन का फीट होता है? सॉरी मैम, फीट में। फुट में ना, क्या लंबाई जो है? आप क्या कर रहे हो? आपसे मैंने पूछा था कि एक जो स्टार है उसका 1 टीस्पून का वजन कितना होगा? आपने मुझे बोला पता नहीं क्या, 6 मिलियन बोला, 6 मिलियन फीट। आर यू सीरियस? आप क्या खेल रहे हैं? इतने बड़े लेवल पे आके जहाँ 5 लाख के इनाम के बारे में बात हो रही है, आप इतनी बड़ी गलती कर रहे हैं। इतना आसान सवाल, ऑलमोस्ट आपका जवाब ठीक था, सिर्फ वो मिलियन बिलियन में आपकी मिस्टेक हुई थी। मगर ये बात तो सबको पता है कि वजन नापने के लिए टन होगा ना? यस मैम। मतलब अगर आप वजन की बात करें तो टन होगा। yes. लंबाई के लिए फीट होगा। यस। कबीर, यू गॉट बी केयरफुल। एक वोट अजीज के खिलाफ। अजीज से पूछते हैं, अजीज आपको क्या लगता है किसको बाहर जाना चाहिए? सुवाइबा। अजीज ने बाय द वे दोनों सवाल के जवाब ठीक दिए थे, फिर भी आपको लगता है कि वो वीक कंटेस्टेंट है? जी कंफ्यूज है थोड़े, कंफ्यूज हूँ, बट आंसर तो मैं राइट दे रहा हूँ। आप ये देखें कि कौन टाइम वेस्ट कर रहा है, ये चीजें देखें। टाइम भी थोड़ा वेस्ट कर रहे हो आप।
आई डोंट थिंक आपको नहीं पता लेकिन आप कर रहे हो हम देख आई डोंट थिंक सो कि मैं टाइम अपनी गलती इंसानों को भी नजर आती भी नहीं है हां मेरी गलती जितनी है लिमिटेड टाइम पे दिए और दोनों सवाल के जवाब सही दिए अजीज आपका वोट किसके खिलाफ था सुहैबा के क्यों क्योंकि वो टाइम वेस्ट कर रही और गलत जवाब भी दे रही सुहैबा मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया और दूसरी बात मैंने क्वेश्चन स्टार्ट होने से पहले ही बैंक बोल दिया था आपका वोट किसके खिलाफ है शाजिया शाजिया और क्यों रीजन क्या है क्योंकि इन्होंने थोड़ा लेट जवाब दिया था टाइम वेस्ट लेट जवाब दिया टाइम वेस्ट किया टाइम वेस्ट करने पे शाजिया आपको ये करना चाहती हैं वोट आउट आपके ख्याल में किसको जाना चाहिए बाहर सुहैबा क्यों क्योंकि मुझे थोड़ी सी वो डाउन लगी मतलब इतनी एनर्जेटिक हो कि वो नहीं खेल रही तो दो वोट सुहैबा के खिलाफ सिराज तीन वोट सुहैबा के खिलाफ अब्दुल अब्दुल आपका वोट किसके खिलाफ अबीर क्यों क्योंकि सवालात का जवाब गलत दिया है आई गॉट इट अबीर माय वोट इज फॉर सुहैबा सवाल गलत होने के अलावा कोई आप स्टार्ट से ही डाउन लग रही हैं जब से शो स्टार्ट हुआ है ना राउंड नंबर वन से मुझे तो आप ही बहुत लग रहे हैं वो तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था आप मैंने कैसे आपको बोल सकते हैं मुझे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था मैंने आपको तो मैं भी अपना बता रही हूँ आप भी बहुत लग रहे हैं तो मुझसे आप क्यों लड़ रहे हैं फुजूल में तो आप गलत बात कर रहे हैं तभी लड़ रही हूं मैं गलत बात नहीं कर रहा मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूं अगर ऐसा होता तो मैं जब से शो में आया हूं सबको मुझसे ही प्रॉब्लम तीन चार बंदे होते आई थिंक आई एम किसी और ने बोला टीम में से किसी और ने बोला दैट्स यू आर नहीं बोला ना किसी और ने नहीं बोला तो सिर्फ आपके पॉइंट ऑफ व्यू लेकिन एक का नहीं देखा जाता तीन चार बंदों का तो मैंने तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया आप मुझसे क्यों लड़ रही हैं सुहैबा सिर्फ एक ने आपको वोट आउट नहीं किया है आपको काफी लोगों ने वोट आउट किया आपने कहा आपने वक्त नहीं लगाया आपने बैंक आपने बहुत वक्त लगाया वक्त की घड़ी चलती चली जा रही थी जब तक आपने पास नहीं कहा बैंक कब कहते बैंक तब कहते जब आपका नाम लेते मैंने कहा सुहैबा आपने कहा बैंक समझ गई बैंक का मतलब है कि मेरे जो पैसे पीछे से आ रहे हैं उसको मेरे बैंक में जमा कर दो बैंक का सिर्फ मतलब इतना है उसके बाद मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ मैं आपसे कह रही हूँ जवाब दे आप जवाब ही नहीं दे रही आप खामोश और कह रही मैंने बैंक बोल दिया मैंने तो बैंक बोलने का मतलब ये नहीं है कि आपका वक्त रुक गया थम गया सब कुछ ठहर गया नहीं बैंक का मतलब है पैसे मैंने जमा कर दिए जवाब तो दे मुझे और अगर जवाब नहीं दे रही नहीं आता जवाब तो कह दे पास आपने कितना वक्त ज़ाया किया कम से कम 10 सेकंड तो आराम से ज़ाया किए होंगे और आप कह रही है मैंने वक्त ज़ाया नहीं किया समझी बात को समझ आखिर में ही आता है जब गेम हो जाता है ख़त्म और इस वक्त आपके लिए ये गेम हो चुका है ख़त्म थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आखिरी खिलाड़ी कौन थैंक यू अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम सोया फातिमा है और मैं यहाँ गेम खेलने के लिए आई थी आखिरी खिलाड़ी कौन मेरा ये तो था कि मैं 100% अपना दूंगी और मैं आखिरी राउंड तक जाऊंगी और आखिरी राउंड तक जीत कर आऊँगी लेकिन बट मैं फोर्थ में ही बाहर आ गई तो लेकिन मैंने अपना 100 दिया लेकिन शायद वो 100 में से 100 गया नहीं तो लेकिन मेरी उम्मीद है इंशाल्लाह जो मेरी टीम खेल रही है वो एंड तक जाएगी और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब मुझे मौका मिलेगा मैं वापस आऊँगी और मैं वापस एंड तक जाकर जीत कर दिखाऊँगी एक मिनट में इंस्टा शो विद मी मतीरा आखिरी खिलाड़ी कौन That's the catch. Captain! किसी भी एंगल से ये नहीं कच्चे क्योंकि छठी के बच्चे आपसे अच्छे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें